नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। बीते वर्ष मार्च के बाद से स्थितियां क्या थी पूरे देश ने देखी। कोरोना का कहर, कोरोना काल। चाइना से निकला एक वायरस भारत में आ गया और संक्रमित कर दिया कई लोगों को। लोग उस समय बहुत घबरा गए। लोगों को इंतजार था तो सिर्फ वैक्सीन का। आपको पता है कि लगातार जिस तरीके से अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर कई बातें की गई, जिस तरीके से वहाँ चेयर्स जो थी, जो स्ट्रेचर्स थे उनको लेकर बात की गई, जिस तरीके से आईसीयू वार्ड्स को लेकर बात की गई, इनकी कमी को दर्शाया गया, लेकिन भारत मजबूती के साथ इनसे निपटा और भारत आज कोरोना से जंग लगभग जीत चुका है। लेकिन अभी वो पूरी तरह से नहीं जीता है, ये बात लोगों के दिमाग में जहन नहीं कर पा रही। आपको बता दें कि कोरोना के केस लगातार गिरते जा रहे हैं, कोरोना का ग्राफ पूरी तरीके से धड़ाम हो चुका है, लेकिन अभी वो खत्म नहीं हुआ है, ये चिंता का विषय है। कोरोना आप जानते हैं कम्युनिकेबल है, वो एक से दूसरे पर फैलता है, संक्रमित है। तो ऐसे में लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि कोरोना जब खत्म नहीं हुआ है तो ये मान लेना कि कोरोना खत्म हो गया है, ये थोड़ा सा डरावना सा लगता है। क्योंकि आपको बता दें कोरोना के केस बहुत कम आ रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर आप इनको समझ लीजिए, बीते साल के मुकाबले केस लगभग खत्म से नजर आते हैं। वैक्सीन कार्यक्रम शुरू हो चुका है, वैक्सीनेशन का कार्यक्रम लगातार चल रहा है, लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है, टीकाकरण का कार्यक्रम हर प्रदेश में जारी हो चुका है, वैक्सीन हम विदेशों में बांट रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत जो है बहुत मजबूती के साथ निकलकर सामने आया है। तो अब जब हम आ गए हैं, जब हम जीत चुके हैं, तो अब हारना नहीं है, अब हार नहीं माननी है। लेकिन कुछ लोगों की गलतियों से अगर ये दोबारा फैलता है, दोबारा ये मास स्प्रेड होता है, या फिर इसको कहें जैसे हम बीती साल कहते थे कि थर्ड वेव, सेकंड वेव, तो उस वेव पर अगर हमको नहीं जाना है तो हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। सुरक्षित कैसे रहेंगे, वही बातें, दो गज की दूरी, इसके साथ ही वैक्सीन आ गई है, लेकिन फिर भी हम लोगों को एहतियात बरतनी है, एहतियात बरत के चलना है, मास्क का प्रयोग करना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, तमाम वो चीज़ें करनी है। तो इसमें मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी प्रद्युम्न। प्रद्युम्न सर को ही जानता है, बीते साल मार्च के बाद से जिस तरीके से पूरे देश ने जो झेला, चाइना को बड़े आरोप लगाए गए, चाइनीज वायरस कहा गया, हर चीज हुई, लेकिन आज की स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है। आज हम स्कूल जा रहे हैं, आज हम कॉलेज जा रहे हैं, आज हम अपने काम धंधे पे जा रहे हैं, इकोनॉमी दोबारा रिवाइव कर चुकी है, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए बीते 24 घंटे की अगर बात करता हूं तो देश में करीब करीब 12,000 से ऊपर आंकड़े आए हैं यहाँ पे कोरोना मामले के, और ऐसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। लेकिन जो पिछले वर्ष की अगर बात करते हैं उसके हिसाब से अगर हम आंकड़ों की बात पे जाएं तो आंकड़े बहुत कम आ रहे हैं, ये बिल्कुल कहा जा सकता है। चाहे कोरोना वैक्सीन का असर मान लीजिए या लोग जागरूक हो गए हैं, बचाव कर रहे हैं, उसका असर मान लीजिए, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बेहद कम हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आंकड़े कम हो जाते हैं लोगों के अंदर से वो भय खत्म हो गया है कोरोना का, लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना एक आम बीमारी हो गई है, अगर आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको कोरोना कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन लोगों की ये सोच गलत है, क्योंकि ऐसे में अब जब 12,000 के आसपास ये आंकड़े आ रहे हैं, बीते दो दिन की बात करूं, दो दिन पहले की बात करता हूं तो करीब 9,000 के आसपास का ये आंकड़ा भारत में आया था, लेकिन अब दो दिन के अंदर लोगों की लापरवाही हुई तो 9 से 12,000 हो गया, 3,000 का यहां पर इंक्रीजमेंट हुआ है। लेकिन ऐसे में जब लगातार लोगों की लापरवाही रहेगी, लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म हो गया, वैक्सीन तो आई गई है, वैक्सीन यहां पर लग जाएगी, लोग सुरक्षित हो जाएंगे, तो ऐसे में अभी आम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचना अभी थोड़ा मुश्किल है। आराम-आराम से वैक्सीन धीमे-धीमे आगे सप्लाई हो रही है, एक चेन बनाई जा रही है, इससे सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंच जाए। लेकिन जब तक आम लोगों तक ये वैक्सीन पहुंच रही है तो ऐसे में सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। लोगों की ये सोच हो गई है कि इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कोरोना इफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन लोग ये चीज भूल रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें शरीर में होती है, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है लेकिन आपका कोई जो आपका शरीर का अंग है वो अगर वीक है तो ऐसे में उसके ऊपर कोरोना ऐसा प्रभाव छोड़ के जाता है कि आने वाले समय में आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, तबीयत खराब रहेगी, आपकी दवाइयां चलेंगी, तो ऐसी बहुत चीज होती हैं। लेकिन ऐसे में कोशिश हमेशा ये करनी चाहिए कि कोरोना का जो वायरस है वो शरीर के अंदर दाखिल ना कर पाए, क्योंकि अगर दाखिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सी तो ये परेशानी छोड़ के ही जाता है, चाहे सांस लेने में तकलीफ हो, लंग्स की कोई डिजीज हो जाए, या हार्ट रिलेटेड कुछ सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, लिवर रिलेटेड सिम्टम्स सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में लोग अभी ये चीज सोच रहे हैं कि कोरोना खत्म है, कोरोना खत्म नहीं है। अभी देश में 12,000 के आसपास आंकड़े आ रहे हैं, 19 जिलों की बात करता हूं भारत में तो 19 जिले ऐसे जहां पर बीते 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई है, आंकड़े बेहद कम है। वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लगातार लगाई जा रही है, लाखों लोगों तक वैक्सीन पहुंच चुकी है, लेकिन फिर भी अगर लापरवाही बरती जाएगी तो ये एक ऐसी बीमारी है फिर से मजबूत होगी और इसी तरीके से फैलेगी, जो हमने बीते वर्ष देखा है, जहां पर लॉकडाउन में रहना पड़ा,
लोगों की स्थितियां खराब हो गई, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, बहुत लोगों ने अपने आप अपने लोगों को खो दिया, तो ऐसे में वो गलती फिर से ना दोहराई जाए। कोरोना भी नहीं गया है, प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार ये चीज बोल रहे हैं कि वैक्सीन जरूर आई है लेकिन सुरक्षित रहना हमारी जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी पूरी करनी है जिससे जो और लोग हैं वो सुरक्षित रह सके। वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क का प्रयोग करना है, सैनिटाइजेशन का प्रयोग यहां पर करना है। बिल्कुल, देखिए ब्लेम गेम के चक्कर में नहीं पड़ रहा है। बीते वर्ष आपने देखा जिस तरीके से तबलीगी जमात का जो कार्यक्रम था उसके बाद उन पर बड़ा ब्लेम गेम हुआ था कि इन लोगों की वजह से कोरोना जो है फैला है, लेकिन उसके बाद कोरोना ने अपने पैर इतनी बड़ी तरीके से पसारे कि पूरा देश उसकी चपेट में आ गया। हमने ऐसे ऐसे मंजर देखे जहां पर जिसकी मौत हो गई उसके परिजनों ने उसकी शक्ल भी ना देख पाई हो। तो इतने बड़े दंश को जब इस पूरे देश ने झेला उससे आज हम जीत कर बाहर आए हैं। आपने अभी आंकड़ों की भी बात की, आपने बताया कि किस तरीके से जो ग्राफ है वो बहुत ज्यादा गिर चुका है लेकिन अभी भी केसेस मिल रहे हैं। हालांकि दिल्ली में आपको बता दें कि एक दो दिन पहले आपको बता दें कि जीरो केसेस थे, जहां दिल्ली में एक समय पर इतने ज्यादा केस मिल रहे थे अब जीरो केसेस तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो ग्राफ है इसको बरकरार रखना है, इसको गिरते देना है और तब तक गिराना है जब तक ये पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। आपको एक और बात बता दें, देखिए वैज्ञानिकों ने हर्ड इम्यूनिटी के बारे में भी बताया है। उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से हम लोग, एक साल बीत चुका है, हम लोग जो कोरोना इफेक्टेड थे वो कोरोना से जीते हैं, तो ऐसे में इंसान हर्ड इम्यूनिटी जो है अपने अंदर डेवलप कर लेता है। उससे क्या होता है कि कोरोना का दोबारा आप पर असर देखने को नहीं मिलता। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके साथ जो है, मान लीजिए उसके अंदर हर्ड इम्यूनिटी है, वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसके अंदर सिम्टम्स नहीं दिख रहे लेकिन फिर भी उसे कोरोना है, और अगर आपको वो कोरोना हो गया और आपके अंदर कोई भी बीमारी है जो फैटल डिजीज के तौर पर है, तो ऐसे में आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आपको बहुत सजग रहना है, आपको बहुत सुरक्षित तौर पर घर से बाहर निकले जितना कम हो सके। बेकाम के लिए तो मेरे ख्याल से प्रतिदिन अभी निकलना भी नहीं चाहिए, अगर आपको कोई काम नहीं है तो बाहर मत निकलिए। क्योंकि देखिए आप भारत में हैं, लॉकडाउन की स्थिति आपने देखी होगी, लॉकडाउन में जिस तरीके से काम धंधे चौपट हो गए, जिस तरीके से पढ़ाई को कितना बड़ा नुकसान हुआ, जिस तरीके से इकॉनमी को इतना बड़ा झटका लगा। आपको बता दूं कि ब्रिटेन में एक और बार लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ चुकी थी जबकि एक लंबा समय उन्होंने अनलॉक होकर भी देखा था। तो ऐसे में जब भारत बहुत लंबे समय से अनलॉक की स्थिति में है तो इसको दोबारा लॉकडाउन की तरफ ना ले जाना, यही राष्ट्रवाद है, यही देशभक्ति है। तो अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं तो अपने आप को इंडिविजुअली अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने आप को बहुत ज्यादा सजग रखिए, अपने आप को जो तरीके आपको बताए गए, देखिए बहुत सिंपल तरीके हैं, कोई बहुत बड़ा कोई एस्ट्रो साइंस या कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल साइंस या पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपको नॉर्मल सी चीजें, आप 2 गज की दूरी रखिए, आप सैनिटाइज का प्रयोग करिए, आप मास्क लगाकर रखिए। मास्क लगाना आप इसको बिल्कुल उस नजर से मत देखिए कि आप सड़क पर चल रहे हैं कोई पुलिस वाला है वो आपका चालान कर देता है, उस नजर से मत देखिए। देखिए सरकारें होती हैं आपकी भलाई के लिए, सरकारें होती हैं आपके लिए, अगर उन्होंने इस तरीके का कोई कानून लेकर आई है तो आप इसको अपने हक का समझिए, इसको आपको सुरक्षित रखने के लिए कानून लाए गए हैं। तो अगर मास्क लगाकर चलना आप सिर्फ ये समझते हैं कि पुलिस वाला देख रहा है, कोई सिपाही खड़ा हुआ है वो देख रहा है तो आप मास्क लगाते हैं, तो ये गलत है क्योंकि आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने बच्चों के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं उनके साथ धोखा कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना गायब है, छिपा हो सकता है, कभी भी पलट के वार कर सकता है। तो ऐसे वार से बचना है, ऐसे वार को डटकर सामना करना है, और ऐसे वार से बचने के लिए भारत के 135 करोड़ लोगों को एक एक इंसान की यहां पर जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों की जिम्मेदारी IMCR की जिम्मेदारी है या फिर सरकारों की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जिम्मेदारी है या फिर इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की जिम्मेदारी है, यहां पर एक एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है और सबको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना ही होगा। क्योंकि भारत लगभग जीत चुका है लेकिन जीता नहीं है, हम लोग बस ये समझ लीजिए आपकी जीत से एक कदम दूर है। अगर जरा सी भी सावधानी हटी तो हम लोग फिर उसी स्टेज पर आकर खड़े हो जाएंगे, फिर शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अगर शुरुआत नहीं करने देना चाहते, अपनी इकॉनमी को पीछे नहीं ले जाना देना चाहते, अपने बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहते, अपने नौकरी धंधे पैसे पर कोई असर नहीं देखना चाहते, तो आगे आइए और इसके साथ ही अपना बचाव करिए, सुरक्षित रहिए। देखिए आप इंडिविजुअली अपना बचाव नहीं कर रहे, आप पूरे देश का बचाव कर रहे हैं, क्योंकि कभी कुछ पता नहीं होता प्रीतम, एक जगह से वायरस निकला और डेवलप हुआ और कितनी तेजी से फैलता है ये हमने बीते साल देखा था। और जिस तरीके से हमारी सरकारों की जितनी यहां पर वाहवाही करें, जितनी उनको शुभकामनाएं दें, उन्होंने जिस तरीके से इस पर पूरा कंट्रोल पाया है, तो अब उनको हारने नहीं देना। मुझे ऐसा लगता है जब हम जीत ही चुके हैं, ये जंग थी, ये पूरी एक बहुत बड़ी जंग थी जिस जंग में पूरे देशवासियों ने, जैसे पिछली बार थाली बजाने का जो कार्यक्रम रखा गया, उसके बाद जो दीप जलाने का, लाइटें जलाने का जो कार्यक्रम रखा गया हमारे हेल्थ वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे बढ़ावा देने के लिए, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को जिस तरीके से हम लोगों ने मोटिवेट किया, तो ये पूरे विश्व ने देखा और पूरे विश्व ने भारत की तारीफ की। आज फिर एक बार भारत की तारीफ हो रही है, क्यों?
क्योंकि हम वैक्सीन बांट रहे हैं। आज हम उस जगह पर खड़े हैं कि हम होस्ट हैं और हमारे सामने कई देश हैं जो हाथ फैलाए खड़े हैं कि वैक्सीन हमको भी दे दीजिए। तो आज जब भारत इतनी मजबूत स्थिति में खड़ा है तो जरा सी चूक आपके भारत को कहां ले जा सकती है, आप इसका अंदाजा लगाइए। तो हर किसी को राष्ट्र प्रेम के चलते आगे आना ही होगा, हर किसी को राष्ट्र प्रेम के चलते आपको अपनी सुरक्षा करनी होगी। देखिए ये मुद्दा जो है ये ट्रेंडिंग मुद्दा नहीं था, हम चाहते कोई भी ट्रेंडिंग मुद्दे पर बात कर सकते थे और उस पर बात करते हुए आपसे सीधे संवाद कर सकते थे, लेकिन हमने क्या चुना, हमने सवाल नहीं कर रहे, हमने आप आज चुना कि हम आपसे संवाद करेंगे और संवाद किस पर, जो राष्ट्र का मुद्दा है। हम चाहें तो किसी भी ट्रेंडिंग मुद्दे को, पॉलिटिक्स को उठा सकते हैं, क्रिकेट को उठा सकते हैं, किसी भी मुद्दे पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि उस पर बात करने के लिए तमाम टीवी चैनल्स आपके सामने हैं, तमाम अखबार आपके सामने हैं, तमाम प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब्स हर कोई आपके सामने है, लेकिन हम वो मुद्दा चुनते हैं जो राष्ट्र प्रेम में होगा, हम वो मुद्दा चुनते हैं जो राष्ट्रवाद में होगा, क्योंकि राष्ट्र सर्वप्रथम ही हमारा एजेंडा है और इसके चलते हम आपको सीधे तौर पर बता रहे हैं कि राष्ट्र के साथ जुड़िए, आप बिल्कुल भी राष्ट्र के साथ धोखा तो ना करिए। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया, ऐसे में न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम की तरफ से हमेशा यही पहल रहती है और हमेशा यही सोच रहती है कि पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। तो ऐसे में हम राष्ट्र प्रेमी जो मुद्दे होते हैं, जो राष्ट्र के लिए होते हैं, देश के लिए होते हैं, भारत के लिए होते हैं, उनके लिए हमेशा बात करते हैं, ये हमारा खास प्रोग्राम है। लेकिन ऐसे में इस प्रोग्राम में आज जो कोरोना का टॉपिक हम लोगों ने चूज किया है, वो उसका मकसद सिर्फ यही था कि लोगों को एक फिर से अवेयर किया जाए। जब कोरोना काल आया था तो ऐसे में लगातार अलग अलग जगहों से, अलग अलग माध्यमों से लोगों को अवेयर किया गया था, लेकिन अब लोग फिर से उस अवेयरनेस से थोड़ा पीछे हट रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर एक सोच आ गई है। और साफ तौर पर एक स्वाभाविक होता है कि जब लगता है कि कोरोना के अब आंकड़े कम हो रहे हैं तो ऐसे में कोरोना तो अब खत्म हो चुका है और हम लोग उससे संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन आम इंसान और कोई भी इंसान आमतौर पर ये चीज भूल जाता है कि आपको यह नहीं पता है कि सामने वाले इंसान को कोरोना है या नहीं है, आप उसे संक्रमित हो सकते हैं या नहीं है। क्योंकि अगर आप हो गए, चलिए ठीक है, आप युवा हैं, आप नौजवान हैं, तो ऐसे में आप संक्रमित हो भी गए तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब आप उस संक्रमण को अपने घर पर लेके जाएंगे, आपके घर में आपके पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, आपके दादा हैं, आपकी दादी हैं, अगर वो संक्रमित होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि उनके संग क्या होगा, आने वाली जिंदगी में उनके संग क्या होना है। और अगर वो लोग ठीक भी हो जाते हैं तो उसके दुष्प्रभाव जो कोरोना के होते हैं वो आने वाली उम्र में उनको कितनी मुश्किल में डाल सकते हैं। तो ऐसे में अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार के लिए सोचिए और खास तौर पर अपने देश के लिए सोचिए, क्योंकि अगर एक जना ही इस सोच के संग आगे बढ़ता है और वो ये पहल करता है तो ऐसे न जाने कितने लोग होंगे जो ऐसी पहल शुरू करेंगे। तो इसी के चलते कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। बीते 24 घंटे की बात करता हूं, 12,000 आए हैं, एक दिन ये भी आएगा कि बीते 24 घंटे की हम बात करेंगे, समथिंग 100 से 200 मरीज यहां पर सामने आएंगे पूरे भारत में। और ये बिल्कुल होगा, वैक्सीन आ चुकी है, लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग समझ चुके हैं कि कोरोना क्या है, हराना कैसे है, वैक्सीन आ गई है, सबसे बड़ी बात तो ये है। और जिस तरीके से आपने बताया कि और देश जो है वो भारत के सामने हाथ फैला के खड़े हैं कि वैक्सीन हमें दें, बड़े बड़े देश हैं, भारत से कई गुना आगे हैं वो, लेकिन फिर भी भारत ने बहुत बड़ी उपाधि अपने नाम की है, बहुत बड़ी सफलता है ये भारत के लिए कि इतनी बड़ी बीमारी जिससे कोई देश नहीं जीत पाया उससे भारत जीत गया। बिल्कुल, वैश्विक स्तर की किताबों में इतिहास पे दर्ज होंगी ये चीजें। तो इसके साथ ही आपको एक चीज और बता दूं, जब बीते वर्ष खतरे की घंटी बजी थी प्रद्युम्न, तब पूरा देश जिस तरीके से सामने आया था, जिस तरीके से यूनाइटेड दिखा था, वो पूरे विश्व ने देखा और पूरे विश्व ने इस पर भारत की तारीफ की। हमारे हेल्थ वर्कर्स अपना घर बार छोड़कर महीनों महीनों सेवाएं देते रहे, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस वालों की बात कर रहा हूं, पुलिस वाले दिन रात सेवाओं में लगे रहे, हमारे मीडिया वाले लगातार दिन रात आप तक खबरें पहुंचाते रहे। तो जब देश एक साथ इस तरह से साथ आता है तो मुझे नहीं लगता कि देश का एक बच्चा भी इससे कोई नुकसान उठा सकता है। तो प्रद्युम्न, जैसा कि हम लोगों ने आज बताने की कोशिश की कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना से अभी भी बचना है, तो इसके साथ ही 3 चीजों का ध्यान रखना है, मास्क जरूर लगाइए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, इसके साथ ही 2 गज की दूरी बनाना बहुत जरूरी है। और हम आशा करते हैं कि हमारा भारत, जब हम अगला प्रोग्राम कर रहे होंगे प्रद्युम्न, तब तक हम ये कोरोना से लड़ाई जीत चुके होंगे। और फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, धन्यवाद।